ऐसी जो बनी है सुर्खियां, खबरें ऐसी जिनका होगा दूर तक असर। तो बने रहिए मेरे साथ अगले एक घंटे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से कुछ सेकंड चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी इसरो मुख्यालय में ही मौजूद थे। इसके बाद सुबह एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। ये हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल भी इसरो के सेंटर में मौजूद थे। आज सुबह एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। वैज्ञानिकों को संबोधित करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इसरो मुख्यालय में जाने लगे तो इसरो चीफ के सिवन प्रधानमंत्री मोदी के गले लगकर रोने लगे। पीएम मोदी ने गले लगाकर इसरो चीफ की पीठ थपथपाई और उनका हौसला बुलंद किया। ये 5 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 और 7 सितंबर इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि बेहद अहम दिन था। संपर्क तो टूट गया लैंडर से, लेकिन देश का वैज्ञानिकों का संकल्प नहीं टूटा है। कल जब इसरो में तमाम वैज्ञानिक और इंजीनियर निराश होते दिखाई दे रहे थे, तब देश को उन पर नाज था, गौरवान्वित महसूस कर रहा था पूरा देश। ये 5 अहम तस्वीरें देखिए। लैंडर से संपर्क टूटा, बच्चे मायूस थे, वैज्ञानिक मायूस थे, इसरो चीफ के सिवन भी मायूस नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका हौसला बढ़ाया, उनसे गले मिलकर। ये बीच की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आज सुबह की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी इसरो सेंटर पहुंचे थे, वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे और तब इसरो चीफ के सिवन गले लगकर भावुक होते नजर आए। बहुत बड़ा मिशन था, 11 साल से इस पर काम चल रहा था और भावुक होना लाजमी भी है। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। रात में प्रधानमंत्री मोदी ने के सिवन की पीठ थपथपाई और आज सुबह उनको गले लगाया। ये 2 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। के सिवन की पीठ थपथपाई कल रात जब वो इसरो सेंटर में पहुंचे थे 1:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास वो वहां से निकल गए। आज सुबह 8 बजे फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया और इसरो से निकलते निकलते के सिवन को गले लगाया, भावुक होते नजर आए। और भावुक इसलिए, अगर उनका बैकग्राउंड थोड़ा आपको यहां पर बता दूं, किसान, इनके पिता किसान थे और अक्सर ये खेती करने उनके अपने खेत में जाते थे। इसको देखकर इनके पिता ने पास के स्कूल में इनका एडमिशन कराया था और स्कूल लाइफ तक, जब कई सारे बच्चों को आप देखते हैं कि ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, तब ये स्कूल लाइफ में इन्होंने जूते सैंडल तक नहीं पहने थे, तो इनका सफर आसान नहीं था। जब MMT से इन्होंने ग्रेजुएशन की तब पहली बार था जो इन्होंने पैंट खरीदी थी। तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हुए तमिलनाडु में जन्मे किसान के बेटे इस मुकाम तक पहुंचकर, जिस मुकाम पर भारत 11 साल से काम कर रहा था और जब पिछले साल इसरो ने इतिहास दर्ज किया था 104 सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर, उसमें भी P7 का बहुत बड़ा हाथ था। IIT पास आउट है और एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, PhD भी की है इन्होंने। आसान सफर नहीं था, शुरुआत में गरीबी देखी और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जब हर किसी को इन पर गर्व है, इन पर नाज है। तो देखिए, तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं और कल से ही सिर्फ हम आप नहीं, पूरा देश जागा हुआ था, विश्व भर की नजरें टिकी हुई थी क्योंकि सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा संपर्क टूटा था। बहुत बड़ा दिन। और ये जो 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बहुत अहम तस्वीरें हैं, बहुत भावुक तस्वीरें हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, भावुक होना लाजमी भी है क्योंकि K7 का सफर बचपन से लेकर अब तक इतना आसान नहीं था। बचपन में गरीबी की 4 दीवारें देखी उन्होंने, किसान के बेटे हैं, खेती करने जाते थे अपने खेत में, पिता ने देखा और जब एक बात शत प्रतिशत लाए थे गणित में, तब इनके पिता ने इनको पास के कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। बचपन में जूते सैंडल कुछ नहीं पहना
करते थे, ये उतने पैसे नहीं थे कि अफोर्ड कर पाए। जब एमएमटी में गए थे अपना ग्रेजुएशन करने के लिए, वो ऐसा पल था, वो ऐसा पहला मौका था जब इन्होंने अपने लिए पैंट खरीदी थी। तो देखिए इस मंजर से ये गुजर कर आए हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। 11 साल से चंद्रयान 2 पर काम हो रहा था, सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर संपर्क टूटा था। ये बहुत भावुक तस्वीरें हैं, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया उनसे मिलकर, और सिर्फ वही नहीं भावुक हुए, मुझे लगता है हर कोई जो इन तस्वीरों को देख रहा था उसके मन में भी विचलित हो रहा था, वो भी भावुक होता नजर आ रहा था, क्योंकि काफी करीब से संपर्क टूटा है। जिस मिशन पर 11 साल से काम हो रहा था उसको पाते पाते चूक गए। कुछ रुकावटें आई, रुकावटें आ गई, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं रहा, बल्कि और मजबूत। आज हमारे राष्ट्र में भले ही एक आंतरिक आपने प्रधानमंत्री मोदी को। और एक और खास बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने कहा कि जब इस घटनाक्रम को कोई साहित्यकार लिखेगा तो वो यही कहेगा कि चंद्रयान ने चांद को गले लगा लिया है। देखिए किस तरह प्रधानमंत्री मोदी सभी वैज्ञानिकों से एक एक कर हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए, एक एक कर सबसे मुलाकात की। सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी इसरो सेंटर पहुंचे थे, और दूसरी अहम तस्वीर देखिए, भावुक सिवन को प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। 11 साल से इस मिशन पर काम चल
चल रहा था। अगर के सिवन की बात की जाए तो वो 1982 यानी कि 1982 में इसरो में शामिल हुए थे और अभी पिछले साल की बात की जाए 2018 में ही इसरो अध्यक्ष का पदभार उन्होंने संभाला था। लेकिन इससे पहले सेंटर रॉकेट में काफी काम किया था, पीएसएलवी हो, या आपको याद होगा जब 2017 में भारत ने एक रिकॉर्ड दर्ज किया था, विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया था, 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में भी के सिवन की काफी अहम भूमिका थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पूरा देश वैज्ञानिकों के जज्बे को सलाम करता है और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। पीएम ने कहा कि आप सबको पूरा देश सलाम करता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप वैज्ञानिक पत्थर पर लकीर खींचने वाले हैं, मक्खन पर नहीं। पढ़ना अपनी जगह, लेकिन मुझे अपने देश को, अपने वैज्ञानिक इंजीनियर आप सभी के प्रयासों पर गर्व। मैंने आपको रात में कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। एक भी आपके साथ ट्रू अमेरिका यू मेंशन इन द प्लेस वेयर नो वन हैड एवर डन बिफोर। आप लोग मक्खन पर लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पर लकीर करने वाले। साथियों, परिणाम से जरा के बिना निरंतर दस की तरफ पढ़ने की हमारी परंपरा भी रही है और हमारे संस्कार भी है। हमारा हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे उदाहरण से भरा हुआ, जब शुरुआती रुकावटों के बावजूद हमने ऐतिहासिक सिद्धियां हासिल की। खुद ईश्वर ही कभी ना हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख के जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी चरण बड़े आशा के अनुकूल ना रहा, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, शानदार। सुना आपने किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने हर किसी का हौसला बढ़ाया। पूरा देश इसरो के वैज्ञानिकों और उनकी टीम के साथ है। चंद्रयान 2 की यात्रा शानदार रही, जानदार रही। उन्होंने क्या अहम बातें कही है ये आपको बता रहे हैं। उस पल को आपके साथ जिया तो ये अहम बातें आपको बता रहे। पूरा देश इसरो के वैज्ञानिकों और उनकी टीम के साथ है। चंद्रयान 2 की यात्रा शानदार रही, जानदार रही। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो कुछ अहम बातें उनकी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी काफी अहम है। के सिवन गले लगकर भावुक होते नजर आए। जब कम्युनिकेशन टूटा, मैं आपके साथ था, उस पल को आपके साथ जिया है। जब आपको याद होगा 2.1 किलोमीटर की दूरी पर जब संपर्क टूटा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर कहा कि उस पल मैं आपके साथ था। आज भले ही कुछ रुकावटें आई हों लेकिन हौसला कम नहीं हुआ है और इस तरह हर किसी का हौसला अफजाही करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। कुछ बड़ी बातें उनकी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं जो आज सुबह उन्होंने वैज्ञानिकों से की, इंजीनियर्स को की। आखिरी कदम पर रुकावट से उम्मीद टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होती है। तो कल भी कुछ इसी अंदाज में नजर आए थे जब वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद कर रहे थे और आज सुबह 8 बजे जब वो पहुंचे तो भी उन्होंने कुछ ऐसे ही हौसला बुलंद किया। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें कुछ नया सिखाती है और विज्ञान बहुत बड़ा शिक्षक है, ऐसा भी कहा उन्होंने। जो कुछ हमने सीखा है उस पर जोर देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान से। हमने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें 104 सैटेलाइट
प्रक्षेपित की गई थी 2017 में और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, उस पर भी इसरो की तारीफ करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। जब सफलता की फेरिस्त इतनी बड़ी हो तो एक रुकावट से फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है देश के प्रधानमंत्री किस तरह वैज्ञानिकों के साथ खड़े हैं। ये भी उन्होंने बोला कि हमें इस मुश्किल समय से उबरना है और जब तक जीतते नहीं आगे बढ़ना है, मतलब इस पर और आगे भी काम करना है। यात्रा अभी रुकी नहीं है, यात्रा अब भी जारी है। ये कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, 21वीं सदी में भारत के सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं, जब लैंडर विक्रम से चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूटा तो उसके बाद इसरो चीफ ने क्या कहा। इस मिशन कंट्रोल सेंटर विक्रम लैंडर डिसेंट वाज एज प्लान्ड एंड द नॉर्मल परफॉर्मेंस वाज अप 2.1 किलोमीटर। सब्सिक्वेंटली द कम्युनिकेशन फ्रॉम लैंडर to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat, Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान 2 पर देशभर से प्रतिक्रियाएं सामने